नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं सीएससी चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को यूज करने के लिए ASKCSE टाइप करें और उस पर प्रतिदिन होने वाले ऑनलाइन टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को खुद जांचते रहें। निराश मत होइएगा, एक दिन कम करेंगे, दो दिन कम करेंगे, तीसरे दिन से आप टेस्ट में बहुत अच्छा करने लगेंगे, भरोसा रखिए। अब आते हैं आज के विषय की तरफ। अब तक हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली भारत आए और डच भारत आए, दोनों में कहीं ना कहीं कमियां थी, इस वजह से वो भारत में अपने व्यापार को विस्तार नहीं दे पाए। 1599 वह सन जब ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में कुल मिलाकर के 217 व्यापारी होते हैं और यह कंपनी वहां के सम्राट के आश्रय में पलती है। आश्रय में पलने का मतलब ये होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी इनकी एक साझेदार होती हैं। 31 दिसंबर 1600, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए दिमाग में रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र दे करके इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व में व्यापार करने के लिए भेजा। साथ में एक मंडल बनाया, निदेशक मंडल, जिसमें कुल 26 सदस्य थे, एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर और बाकी 24 मेंबर सदस्य थे। कंपनी अपना जहाज लेकर के 1601 और 1603 के मध्य पूर्व में व्यापार करने के लिए निकलती है और मसाला द्वीप पहुंचती है। मसाला द्वीप पहुंचने पर इन लोगों को एहसास होता है कि जब तक भारत में व्यापार नहीं करेंगे तब तक व्यापार करने का कोई मायने नहीं। मसाला द्वीप से ये आगे बढ़ते हैं और 1608 में एक अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं भारत में सूरत नामक जगह पे। सूरत गुजरात में एक बंदरगाह है। सूरत शहर से हम आप सभी परिचित हैं तो दिमाग में ये रखना है कि सूरत ही वह स्थान है जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहानी आगे बढ़ती है और ऐसा तो है नहीं कि यहां पे आप आए और व्यापार कर लिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां पे तो मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें इतनी दूर तक फैलाया हुआ है कि आपको कदम रखने के लिए उनसे पूछना ही होगा। राजा जेम्स प्रथम अपना एक दूत जिसका नाम हॉकिंस है उसे जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। जहांगीर के दरबार में जब हॉकिंस आता है तो उसका मित्रों की तरह स्वागत होता है और एक घनिष्ठ मित्र की तरह उसका आदर और सम्मान किया जाता है। कारण यह था कि वह फारसी और अरबी भाषा का ज्ञाता था और जब जहांगीर से उसी की भाषा में हॉकिंस ने बात किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक अपनापन आया होगा और हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया, एक जागीर दी और खान की उपाधि दी। हॉकिंस जहांगीर से अपनी बात रखता है कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी षड्यंत्र। पुर्तगाली पहले से वहाँ जड़े अपनी जमाए हुए हैं। जब हॉकिंस वहाँ पहुँचता है तो उसकी बात नहीं बनती है, लेकिन 1613 में जहांगीर एक अस्थाई फैक्ट्री बनाने के लिए इनको आदेश दे देता है। कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है और जेम्स प्रथम अपने दूसरे दूत को भेजते हैं जिसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो बहुत ही उम्मीद के साथ जहांगीर के दरबार में आते हैं और एक मान्य राजदूत के रूप में यहाँ भारत में 3 वर्षों तक रहते हैं और अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में अपना 3 साल व्यतीत करते हैं।
जाते जाते उन्होंने जितना मन में अपने मंसूबा पाला हुआ था, जहांगीर से जितनी की चाहत थी उनको उतना तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ शहरों में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश जहांगीर से इनको मिल जाता है। ऐसे ही अंग्रेज अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं और भारत में कई शहरों में उनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं, जिसमें मुख्य नाम है सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर। इन जगहों पर इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं। 1640 मद्रास नगर की स्थापना होती है। वहां अंग्रेज सेंट जॉर्ज नामक किला स्थापित करते हैं और व्यापार को अब एक नई दिशा देना प्रारंभ कर देते हैं। कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट आएगा जब अंग्रेज दखल देने लगेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लेकिन उसके पहले अभी कहानी बाकी है। अब आता है नंबर बंगाल का। ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक फैक्ट्री डाली जाती है। हुगली पश्चिम बंगाल आज के है और तत्कालीन बंगाल में हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक फैक्ट्री डाली जाती है और उनका व्यापार पटना और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में होने लगता है। 1662 ईस्वी वह सन था जब चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाती है। कैथरीन यानी पुर्तगाली बंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं और चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे देते हैं। यहाँ पे गेराल्ड अंगियार नाम के एक गवर्नर ने आधुनिक बंबई की नींव रखी और अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई में ला के शिफ्ट कर दिया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी कर देता है। मतलब अब मुगल भी कंपनी की सहायता करने लगे थे और उनसे लाभ भी लेने लगे थे। 1690 ईस्वी में एक बंगाल का नवाब है जिसका नाम इब्राहिम खां है, वो अंग्रेजों को निमंत्रण देता है कि आप आएँ और हमारे यहाँ कोठी स्थापित करें, फैक्ट्री बनाएं। अंग्रेज जाते हैं और जॉब चरनाक नाम के एक अंग्रेज ने वहाँ यानी कि कालीकाता में एक फैक्ट्री स्थापित की। उसी समय शोभा सिंह नाम के एक जमींदार ने विद्रोह कर दिया और इनको किलेबंदी करने का अवसर मिल गया। अजीमुशान नाम के एक सूबेदार ने इनको 3 गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपये वार्षिक पर दे दी। वो 3 गांव थे कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानती। इन्हीं तीनों गांवों पर जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की और किले का नाम रखते हैं फोर्ट विलियम। चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट होते हैं और हम देखते हैं कि मात्र 80 वर्षों में ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अंग्रेजों ने अपने व्यापार को स्थापित कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कंपनी एक शिष्टमंडल भेजती है कलकत्ता के पास लगभग 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के लिए। जब फरूख सियर के पास जॉन सरमन पहुंचते हैं तो वहां का माहौल कुछ ऐसा होता है जैसे प्रकृति खुद अंग्रेजों की मदद कर रही। जॉन सरमन के साथ एक डॉक्टर होता है, एक चिकित्सक होता है जिसका नाम होता है हैमिल्टन। हैमिल्टन को अगर ये कहा जाए कि उसने अंग्रेजों को एक ऐसा संजीवनी दे दिया जिसके बाद अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फरूख सियर एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिससे वो रोज इतना पीड़ित होता था कि वो तड़पता रहता था सुबह से लेकर शाम तक, और हैमिल्टन वह चिकित्सक है जिसने फरूख सियर को उस रोग से मुक्ति दे दी। फरूख सियर प्रसन्न होता है और पहले से प्रचलित व्यवस्था को मान्यता दे देता है तथा बंबई के टकसाल में छपे सिक्कों को मान्यता भी दे देता है।
और महोदय ने इसी अधिकार पत्र को कहा है कि यह अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा है, यानी महाधिकार पत्र है। अब अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अब उनको दखल देना पड़ेगा मुगल साम्राज्य के झगड़ों में। अब ये अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि भारत में अन्य कोई भी शक्ति इनके सामने खड़ी नहीं होगी, और आगे के वीडियो में हम इस पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी पहले फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की लड़ाई से निपट लिया जाए। जब फ्रांसीसी हार जाएंगे और अंग्रेज़ और मजबूत होकर के पूरे भारत में अपना कब्जा कर लेंगे, तब कहानी में और मज़ा आए। लेकिन अब तक की कहानी को 1599 से जो कहानी शुरू हुई है और 1715 में फर्रुख सियर के फरमान पे आके रुक रही है, इस कहानी को अपने दिमाग में क्रम से बैठा लीजिएगा और नाम सभी याद रखिएगा, चाहे वो जेम्स प्रथम हो, चाहे महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो, चाहे वो कैथरीन हो, चाहे वो फर्रुख सियर हो, चाहे सरमन हो, चाहे ब्रिजमैन हो, चाहे आपके जाप चारनाक हो। याद रखिएगा, मद्रास शहर की स्थापना किसने की, कलकत्ता की किसने की और बम्बई की किसने की, ये तीनों आप दिमाग में रख लीजिए। कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है और वीडियो में बहुत खुश होके बना पाता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कुछ करना है तो सामाजिक कम होइए और किताबों से दोस्ती करिए। नमस्कार।